wish a void opened in the air to suck me up, cause I really don't go. भाई साहब खींच के पूरे इधर तक लाना पड़ा सिर्फ एक वार्म अप करवाने के लिए। हाँ, दैट्स हाउ थिंग्स वर्क बेबी, दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। चलो लेट्स। और इतने दिनों से डार्लिन कहाँ थी? जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको भी यही लग रहा होगा। आप लोगों को तो वैसे ही वीडियोस देखने को कमी मिलते हैं, बट जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन लोग सोच रहे होंगे कि इंस्टाग्राम पे सिर्फ स्लॉपी की स्टोरी डाल रही थी। स्लॉपी इज़ बेसिकली मेरी कार का नाम, जो मेरे पास स्कॉडा स्लाविया है। मैंने उसको भी पूरी तरीके से रेडी करके रखा है। यूट्यूब पे अभी तक आई गेस 70 वीडियोस नहीं बनाए उसको रिलेटेड, बट इंस्टाग्राम पे बहुत कंटेंट डाल दिया है मैंने स्लॉपी से रिलेटेड। तो अगर आप लोगों को देखना हो तो मेरा इंस्टाग्राम यहाँ नीचे आ रहा होगा, आप लोग जाके उस पर देख सकते हो। बाकी संडे की मॉर्निंग है और ऑन टॉप ऑफ इट बाइक के साथ क्या हुआ था, बाइक का बेसिकली क्रैंकशाफ्ट का काम था, क्रैंकशाफ्ट चेंज हुआ है मेरी बाइक का। इट्स नॉट अ वेरी बिग वर्क, इंजन ऐसे कोई खुलता नहीं है, ऑन टॉप ऑफ इट ही ऊपर से टाइमिंग चेन और कैमशाफ्ट चेंज हो जाती है। इट्स अ मेजर थिंग दैट हैपेंस एट 20,000 किलोमीटर्स ऑन अ KTM। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ थोड़ा सा लेट हो सकती थी, अगर मैं एक एग्जॉस्ट लगाना वेट करें, हम बरगी पहुँचते हैं, फिर आपको थोड़े से सिनेमैटिक शॉट्स दिखाते हैं, ड्रोन शॉट्स दिखाते हैं, एंड 360 से थोड़े शॉट्स लेते हुए जाएंगे तो वो दिखाते हैं। बाकी इफ़ यू हैवंट फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम येट, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। द इंस्टाग्राम का आईडी इज़ शोइंग डाउन बिलो। आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीज़ें मैं अपलोड करता रहता हूँ, स्टोरी हो, पोस्ट हो, रील्स हो। तो पहले इंस्टाग्राम पे पता चलती है चीज़ें, बाद में यूट्यूब पे पहुंचती हैं। यूट्यूब पे बहुत लेट हो जाता है पहुंचने में, रीज़न बीइंग वीडियो एडिट करने में थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है मुझे। बाकी यही सब है यार, थिंग्स आर वेल, थिंग्स आर गुड। आज हमारे यहाँ मोदी जी आ रहे हैं। अरे क्या पड़ा हुआ क्या, एवरीवन। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम नेक्स्ट टाइप के साइबर क्राइम दैट इज आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में बात करेंगे। तो आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, किसी की पहचान, ठीक है, और थेफ्ट क्या होता है, चोरी करना, किसी की पहचान चोरी कर लेना, ये शॉर्ट फॉर्म में अपन बोल सकते हैं। मुझे क्यों दिखाएं क्या मैंने क्या गुनाह है, आखिर ये क्या बला है, दिख सब धुंधला है, फगड़ा पगला आग लगा है, मेरा सम्मान गया है, खड़ा शैतान यार। थोड़े कॉर्नर्स आएंगे तो आई थॉट कि GoPro ऑन करके तुम लोगों को मस्त कॉर्नर्स दिखाऊंगा। इज इट बारिश, जेन्युइनली बारिश आउट ऑफ नोवेयर। भाई साहब अब और गियर अंदर करो, पैर बैठ के पूरा स्टफ हैपेंस ब्रो, स्टफ। अगर थोड़ी बहुत हुई तो नहीं बात करेंगे अंदर। और
अंदर चलेंगे वे, अंदर चलेंगे, वहां ड्रोन उड़ाऊंगा। मुझे एग्जैक्ट बिल्कुल भी याद नहीं है कि कैसे गया था मैं उधर, पर मुझे इतना हल्का हल्का याद आ रहा है कि यहाँ कहीं से ऊपर जाने का रास्ता था। चलो लेट मी फिगर आउट, मैं तब फिर मिलता हूँ। हाँ भाई, सम इलीगल शिट दैट वी आर डूइंग, इट्स फन इजंट इट। ये देखो भाई, ये सीन देखो भाई, सीन देखो। ये अभी तो मैं ड्रोन से भी दिखाऊंगा। ड्रोन शॉट एंड 360 कैमरा वाला पूरा सेटअप। भाई आज बहुत कुछ था मेरे पास, तो आई थॉट कि एक अच्छे से एक व्लॉग बना दिया जाए। रीज़न भी अभी बाकी जितना गेयर है उनसे जो जो रिकॉर्ड हुआ है वो रील्स पे तो आएगा, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म ऑफ वीडियो अभी बहुत मज़े से मैं बना पा रहा हूँ, तो वो तो आएगा। बाकी लुक एट द व्यू जो मैं देख रहा हूँ अभी, और मैं सिर्फ अभी आज मीत के साथ आया हूँ। मीत की गाड़ी की कहानी कुछ इस प्रकार है कि ये गाड़ी एक्चुअल में केमतानी की थी, जो वाइट कलर की ड्यूक 390 आप लोगों को याद होगी, वाइट और ब्लैक हुआ करती थी। तो आज ये है नाडो ग्रे और ये है डार्क ग्रीन, लेकिन दोनों में एक्सट्री किट है, लेकिन दोनों की एक्सट्री किट भी थोड़ी अलग अलग है। इसकी एक्सट्री किट थोड़ा सा अलग डिज़ाइन की है, मेरी एक्सट्री किट थोड़ी सी अलग डिज़ाइन की है। तो 390 लेके तुमको कैसा लग रहा है MT 15 के बाद? MT 15 के बाद मज़ेदार है गाड़ी की, मतलब इसके उसके बारे में काफी ज्यादा डिफरेंस है भाई। 390 तो लाइक, और ये भी BS4 ही लिया अपन ने, है ना, वो BS6 वाली नहीं है भाई। द BS4 मतलब जो रॉ पावर प्रॉपर वाला, एक जस्ट पहले वाला, तो मतलब जितने फीचर्स आए हैं BS4 में सब इसमें हैं। BS6 वाले जो, ये मीटर भी इसका जो है प्रॉपर BS6 वाला ही है, ऑरेंज और वाइट वाला। मेरा जो है वो ब्लू वाला है, वो थोड़ा पुराना वाला एडिशन का, तो ये फ़र्क है। बाकी मिलते हैं यार मोटो ब्लॉग में, मोटो ब्लॉग में ही एंड करूँगा ब्लॉग को। बाकी लेट्स ईट, जाते हैं यहाँ से। बस वो बंदा हमको रोके ना, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे को जितना याद आ रहा है इसी चैनल पे होगा, बहुत पहले का ब्लॉग होगा जब मैं वो सुमित लोगों के साथ आया था, तो उस टाइम पे तो भाई वो बंदे ने बहुत रोकने की कोशिश करी थी। तो वो जाके ब्लॉग वो भी देख लेना, और अब का ब्लॉग देखोगे तो समझ आएगा कि कंटेंट में कितना डिफरेंस है।
टाटा बाय बाय।